वैसे तो किसी भी चुनाव में जीत का श्रेय किसी अकेले शख्स को नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे पार्टी संगठन की रणनीति, चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं की ताकत और प्रतिबद्धता होती है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें इस सफलता की अहम कड़ी माना जा सकता है। 5 साल पहले पूर्वोत्तर के जिस राज्य त्रिपुरा में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी और वहाँ के सियासी माहौल में उसे गंभीरता से भी नहीं लिया जाता था, उसने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए त्रिपुरा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जन्म से मराठी मानुष के सुनील देवधर पूर्वोत्तर भारत में भारतीय राजनीति पार्टी का वो चेहरा है जिन्होंने खुद ना तो कभी यहाँ चुनाव लड़ा और ना ही खुद को समाचारों में ही रखा, मगर त्रिपुरा में 25 सालों की वाम सरकार को चुनौती देने और उसमें सत्ता छीन कर लाने का सेहरा भी भारतीय जनता पार्टी सुनील देवधर के सर पर ही बांधती है। वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 49 सीटें आई थी, जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI को 10 सीटों के साथ त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी वाम दलों को टक्कर देने की स्थिति में अगर आई है तो इसके पीछे सुनील देवधर की बड़ी भूमिका है जिन्होंने एक एक बूथ पर संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। ये न सिर्फ मेघालय और त्रिपुरा में सक्रिय रहे बल्कि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी सक्रिय रहे। अमित शाह ने जब भाजपा की कमान संभाली तो उन्होंने सुनील देवधर को महाराष्ट्र से वाराणसी भेजा था जहाँ नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि सुनील देवधर ने किस तरह से पूरे पूर्वोत्तर पर अपना कब्जा किया। पूर्वोत्तर में काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे सुनील देवधर ने स्थानीय भाषाएं सीखी। जब वो मेघालय के खासी और गारो जनजाति के लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करने लगे तो लोग हैरान हो गए। उसी तरह वो फर्राटे से बांग्ला भाषा भी बोलते हैं। कहते हैं कि त्रिपुरा में वाम दलों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सेंध मारने का काम भी उन्होंने ही किया है। विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले इन दलों के कई नेता और विधायक भाजपा में शामिल हो गए। सुनील देवधर का सबसे मजबूत पक्ष रहा निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को ढूंढना और उन्हें पार्टी में अहमियत देना। उन्होंने सबसे पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। त्रिपुरा में वाम दलों की जो कार्यशैली रही, मसलन जिस तरह से वो अपने कैडर बनाते हैं, उसी को सुनील देवधर ने चुनौती देने का काम किया। त्रिपुरा में यही भाजपा के सफलता की कुंजी के रूप में साबित हुई। देवधर ने पूर्वोत्तर भारत का जब दौरा किया तो कांग्रेस के कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी होती थी। उन्होंने वहीं से ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, फिर बारी आई नाराज मार्क्सवादी नेताओं की। इस तरह संगठन फैलता चला गया और मजबूत होता चला गया। त्रिपुरा में बीजेपी ने 5 साल में 0 सीट से लेकर प्रचंड बहुमत तक का सफर तय किया है, तो इसके पीछे संघ और इसकी ट्रेनिंग की अहम भूमिका भी है।